कहा जाता था कि मीडिया लोकतंत्र के रखवाले हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि आज हिंदुस्तान का मीडिया लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है? सुन लीजिए, आप इनसे पूछिए, ये आपको बताएंगे कि हमारे दिल में जो है हम नहीं बोल सकते। इनके दिल में क्या है? इनके दिल में वो है जो हिंदुस्तान की जनता के दिल में है, वो नहीं बोल सकते। तो सारी की सारी संस्थाएं का कब्जा कर दिया मीडिया प्रेशर में। सीबीआई का प्रेशर है, ये देखो ईडी का प्रेशर है, तो लड़ाई इस बात की है, हम देश की जनता को देश की शक्ति देना चाहते हैं, देश की जनता को देश की शक्ति हम पकड़ाना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सफेद क्रांति की, हमने सफेद क्रांति में मदद की, मगर सफेद क्रांति को आनंद के महिलाओं ने शुरू की। सफेद क्रांति हिंदुस्तान की नारी शक्ति ने की, हरी क्रांति देश के किसानों ने की, किसानों की शक्ति ने हरी क्रांति की। आईटी रेवोल्यूशन देश के युवाओं ने किया, कांग्रेस पार्टी ने मदद की, कांग्रेस पार्टी ने विजन दिया, मगर आईटी रेवोल्यूशन हमारे युवाओं ने किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कितने लोगों को रोजगार दिया है? 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है, और हिंदुस्तान के युवाओं की जो शक्ति है, करोड़ों युवाओं की जो शक्ति है, वो जाया हो रही है। आजकल हिंदुस्तान का युवा जॉब नहीं करता है, आजकल हिंदुस्तान का युवा 7-8 घंटे मोबाइल फोन पे, कभी इंस्टाग्राम देखेगा, कभी फेसबुक देखेगा, ये सच्चाई है हिंदुस्तान की, और उसकी शक्ति जाया हो रही है। एक तरफ किसानों पर आक्रमण, युवाओं पर आक्रमण, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों को देश का पूरा धन दिया जा रहा है, यह सच्चाई है। भाइयों और बहनों सुनिए, कुछ दिन पहले मेरे पास युवा आए, कुछ युवा आए मुझे कहते हैं, राहुल जी अग्निवीर योजना से पहले हमें आर्मी में ले लिया गया था, एक लाख 50,000 युवाओं को हिंदुस्तान की सेना ने और एयरफोर्स ने एक्सेप्ट कर लिया था, उन्होंने फिजिकल टेस्ट पास कर दिया और एक्सेप्टेंस उनको मिल गई, 1,50,000 युवा।
मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लागू की और 1,50,000 युवाओं को उन्होंने आर्मी में एयरफोर्स में नहीं आने दिया।